और अभी अभी जो झारखंड सरकार ने अधिसूचना जारी करके धनबाद और बोकारो से भोजपुरी और मगही को विड्रॉ किया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है जयराम जी? सर, मैं तो पहले अपना परिचय ही मैं देते आया हूँ कि मैं क्रांतिकारी हूँ, और क्रांतिकारी कभी खुशियों की सौगात नहीं चाहते। वे जहां तकलीफ होता है, जहां गम होता है, क्रांतिकारी वही रहते हैं। मुझे बिल्कुल भी इसमें सरकार ने जो कार्य किया है, ठीक है, अच्छी बात है, हमारा पहला प्रयास सफल रहा, लेकिन हमारी असली मकसद है सर, झारखंड को नए निर्माण की, जहां पहला अधिकार झारखंडियों का होगा सर। बिल्कुल जरम, क्या हम ये मान करके चलें कि भाषा पर आप लोगों का जो संघर्ष अभी इस मोड़ पर पहुंचा है कि आप लोगों को जीत मिली है, क्या अगली लड़ाई 1932 का खतियान को लेकर है? बिल्कुल सर, हम तो बार बार अपने हर स्टेटमेंट में, और हम झारखंडी भाषा संघर्ष समिति, और शायद और साथ ही मैं अपना निजी मामला भी स्टैंड जो है वो क्लियर करना चाहूंगा कि हमारी वास्तविक लड़ाई सर खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थान नीति और उद्योग नीति की है, क्योंकि जब तक ये तीन नीतियां नहीं बनेंगी, झारखंड मान के चलिए सर 2 महीना पहले तो भाषा नहीं थी, लेकिन क्या झारखंड सही दिशा में था? बिल्कुल नहीं। भुखमरी, गरीबी, हर इंडेक्स में झारखंड पिछड़ रहा था। तो झारखंड तभी खुशहाल होगा जब यहाँ की भाषाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, जब यहाँ के लोगों को, वह तभी होगा जब खतियान आधारित नीतियां तय होंगी। जरम, एक चीज और भी है कि हम लोग बार बार आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, आपके जो वीडियोस आ रहे हैं, आप जो इंटरव्यूज जो दे रहे हैं, आपका जो डाटा आता है, आपका जो स्टैटिस्टिक्स आता है, वो बड़ा टू द पॉइंट होता है। तो आप क्या स्टेटमेंट देने के पहले तैयारी करते हैं या सब कुछ आपके टिप पर है? नहीं सर, इतना दिन का जो अनुभव है सर, उसी के आधार पे हम कहते हैं सर, हम भी एक रिसर्च स्कॉलर हैं और सारी चीजों को रिसर्च किए हैं सर, और झारखंड को बहुत ज्यादा रिसर्च किए हैं सर, तभी हम आकर आंदोलनकारी बने सर, नहीं तो हम एक अच्छा स्टूडेंट, एक कोई थर्ड फोर्थ ग्रेड की जॉब की वैकेंसी अभी तक ले चुके होते सर, लेकिन हम चूंकि झारखंड की सूरत और सीरत को बदलना चाहते हैं सर, इसीलिए आंदोलन में आए हैं। जरम, आपको लोग एक बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स के रूप में भी जानते हैं कि आप जब बोलते हैं तो तथ्यपूर्ण तरीके से सही ढंग से बोलते हैं। एक विशेष सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जो झारखंड का जो पॉलिटिकल रिफॉर्म है, जो राजनीतिक जो परिपाटी है, अगर उसमें बदलाव अगर किया जाए तो वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से झारखंड में बदलाव होने की आवश्यकता है? सर, झारखंड में राजनीतिक बदलाव होने की अति आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आदर्श मानते हैं कॉमरेड ए के रॉय को भी, हालांकि विनोद बाबू और शिबू सोरेन का तो नाम आता है क्योंकि दोनों झारखंड माटी के, और दोनों एक ऐसे कौम से जिनकी बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन हम आज थोड़ा सा कॉमरेड ए के रॉय का नाम लेना चाहेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जब झारखंड का निर्माण होगा तो प्रयास होना चाहिए कि झारखंड का जो सत्ता है वह कोई गरीब गांव का किसान का मजदूर का बेटा इस सत्ता को संभाले, जहां पूंजीवाद हावी ना हो। तो कहीं ना कहीं अगर कॉरपोरेट, क्योंकि झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण क्षेत्र है, यदि खनिज की मनसा लेकर कोई लोग आएंगे और वे अगर फाइनेंस करके सरकार को बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं झारखंडियों के लिए दुर्दशा होगी। तो आज हम कॉमरेड एके रॉय का आदर्श मानते हैं, उन्हीं की पंक्तियों को दोहराना चाहेंगे कि व्यवस्था परिवर्तन बहुत आवश्यक है, एक ऐसी व्यवस्था जहां पूंजीवाद हावी ना हो, जहां कॉरपोरेट हावी ना हो, जहां एक आम आदमी, जल जमीन जंगल की बात करने वाला व्यक्ति खुशहाल रहे। जयराम, एक और सवाल है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, कहा जाता है कि जो छोटे जो राज्य हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो ज्यादा हित करती हैं अपने राज्यों को लेकर के। राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है, ये दोनों झारखंड के हित को लेकर कितना संजीदा है? या फिर आप दूसरे शब्दों में ये अगर जानना चाहें कि जयराम, आपका जो दृष्टिकोण है बीजेपी को लेकर और कांग्रेस को लेकर झारखंड के कॉन्टेस्ट में क्या है? सर, हम तो स्पष्ट करना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद विधायक हैं वे ज्यादातर बाहरी क्षेत्रों से हैं, उन्होंने जो राज्यसभा सांसद भी बनाया तो यहां से वे बना रहे हैं किसको, मुख्तार नकवास अब्बी जी को बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता सीधी है कि झारखंड के लोग पिछड़े लोग हैं, इन्हें बढ़ने का चांस नहीं देना है। रही बात कांग्रेस की, आप याद कीजिए जयपाल सिंह मुंडा को, इतने बड़े महापुरुष को कांग्रेस ने निगलने का काम किया था। तो झारखंड के लिए ना बीजेपी सही है ना कांग्रेस, एक ऐसी पार्टी की आवश्यकता है, एक नए नवनिर्माण की आवश्यकता है, जहां शुद्ध झारखंड की पार्टी हो, तेलंगाना तमिलनाडु के तर्ज पर, जो केवल और केवल स्थानीयता की बात करे। जयराम, अगर नई दिशा, अगर या फॉर्मूले की अगर हम बात करें झारखंड में राजनीतिक फॉर्मूले की, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अगर आजसू का गठबंधन हो जाए तो क्या ये झारखंड के हित में है क्या? सर, जहां तक अभी तक जो दोनों संगठनों का, दोनों ही पार्टियों की जितने भी बारीकी से देखा, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये लोग भी केवल सत्ता चाहते हैं, झारखंड की सुख सुविधा से कोई वास्ता नहीं है। उदाहरण के लिए देखिए, सरकार ने एक दिन क्रिकेट का मैच खेला था सर, उसमें 70 लाख रुपए खर्च कर दिए, आज अपने मंत्रियों को ये 50 लाख का फॉर्च्यूनर गिफ्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बता रही है कि इनको झारखंड की दुख दर्द से, पीड़ा से, एक आम व्यक्ति के उत्थान से कोई वास्ता नहीं है। अतः झारखंड को एक ऐसी विचारधारा की पार्टी है चाहिए जहां विनोद बाबू और बिरसा के विचार को कॉम्बिनेशन करके, कॉमरेड एके राय के विचार को कॉम्बिनेशन करके आगे बढ़ाया जाए, जो जहां पूंजीवाद ना हो, पूंजीवाद हावी ना हो।
जयराम अब राजनीति में आ रहे हैं क्या? सर फिलहाल तो मैंने मेरा देखिए एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और हम चाहेंगे 2 साल पूरी तरह से अपनी जो पीएचडी की पढ़ाई है इसको पूरा किया जाए और अभी हम एक क्रांतिकारी ही बनकर रहना चाहेंगे। जहां जहां अन्याय होगा सर हम वहां आएंगे, मेरा वहां चेहरा होगा, मेरी वहां बातें होंगी और अन्याय का सामना पुरजोर तरीके से करेंगे। जयराम आप एक छोटी आप राजनीतिक लड़ाई पहले भी लड़ चुके हैं, आप एक चुनाव लड़ चुके हैं पंचायत स्तर पे, नहीं सर, और नहीं बिल्कुल भी नहीं सर। इस वक्त कुछ लोग हैं झारखंड के अंदर जो आपको एक खतरे के रूप में देख रहे हैं, कुछ मंत्री भी हैं जेएमएम के जो ये चाह रहे हैं कि अगर आप राजनीति में आ गए तो उनके सीट पे खतरा मंडराएगा। मैं बात कर रहा हूँ डुमरी सीट से, आप संजीदा हैं क्या चुनाव को लेकर? सर देखिए डुमरी सीट मेरा सीट नहीं पड़ता है, वहां हम भले प्रचार के लिए गए थे लेकिन मेरा मकसद है लोगों को जगाना सर। और आदरणीय जगन्नाथ महतो हो, चाहे मथुरा महतो जी हो, चाहे जो भी हमारे विधायक गण, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन सर अगर जनता मांग करती है, क्योंकि देखें सर सभी मंत्रियों को देखें, सबका बायोडाटा देखें सर, सबका बैकग्राउंड देखें सर, कहीं ना कहीं केवल उनका ही परिवार संपन्न हुआ है। झारखंड के जनमानस उसी अवस्था में है, यहाँ के लोग पलायन है, विस्थापन है, 4-5 हजार की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जो विधायक मंत्री सांसद बने, चाहे कोई नाम रहे, चाहे कोई भी हमारे विधायक, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है सर, तमाम 81 के 81 विधायक की अगर बात करें तो उनका परिवार खुशहाल है। तो कहीं ना कहीं सर अगर जनता डिमांड करती है, अगर जनता कहती है, तो क्रांतिकारी एक नेता के रूप में बनने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरी सोच एक अच्छे स्टूडेंट बनने की, अपनी पढ़ाई पूरी करने की। लेकिन अगर समय की मांग हुई सर तो हम आने का प्रयास करेंगे। जयराम इतना बड़ा आंदोलन चला भाषा को लेकर के, लोग कहते हैं कि आपके आंदोलन को जिस ढंग से आप लोगों ने इसको लीड किया, बैक सपोर्ट किया गया था आप लोगों को, तो कौन से वो लोग थे जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया था इस पूरे आंदोलन में? सर इसमें तो सबसे बड़ा जो था ना, हमारा लगभग सभी तबके के, चाहे मजदूर भाई हो, किसान हो, और विशेषकर जो जॉब जॉब कर रहे हैं, खासकर अगर रैंक में भी हैं तो उनको भी आभास है कि झारखंड में भले भी जॉब कर रहे हैं लेकिन जो अधिकारी हैं वो बाहर के हैं और लगातार उनका शोषण करते हैं। इसीलिए बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो सरकारी चीजों में भी हैं लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया मैसेज करके कि ठीक है लड़ाई अच्छी है, हम लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन हम लोग अब संवैधानिक पदों पर हैं तो हम लोग डायरेक्टली आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे लेकिन इनडायरेक्टली खासकर हम लोग आपको शब्दों के साथ, आपको भावनाओं के साथ जुड़कर सपोर्ट करेंगे। और विशेष जो रहा उसमें, जो हमारे बाहर के जितने मजदूर हैं, चाहे वो सूरत में हो, गुजरात में हो, उन्होंने खुलकर कहा कि हम साथ हैं भाई, जब कहोगे हम लोग टिकट कटा के झारखंड आ जाएंगे, आंदोलन में आपका साथ देंगे, तो बहुत शक्ति मिली बाहर से भी। चलिए जयराम आपने वक्त निकाला बात करने के लिए जेडीएन न्यूज इंडिया के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद।